पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर अपन किस जिसके ऊपर आपका टुडेज लेक्चर ऑन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर, यानी माइक्रोस्कोप के ऊपर है कि माइक्रोस्कोप के अंदर कौन से उसके बॉडी के पार्टिकल्स है, कौन से उसके अंदर लेंस है, कितने कंडेंसर है, क्या उसकी बॉडी है और किन चीजों से वो कंपोज हुआ है, मिलकर बना है, और किस मैकेनिज्म से वो क्या है रिफ्लेक्ट करता है, आपको क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो सेल्स को क्या है शो करता है, दिखाता है आपको, वो सभी क्या आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, तो इसके ऊपर था वैक्यू टेंडर सिस्टम पे। तो वैक्यू टेंडर सिस्टम पहले क्या है, आपने दो प्रकार के कलेक्शन सिस्टम पढ़े थे ब्लड को कलेक्ट करने के, एक तो क्या है वेन पंचर मेथड जिससे ब्लड कहां से कलेक्ट करते हैं वेन से, और उससे पहले क्या था कटली ब्लड कलेक्शन, यानी स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती है वहां से ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं। तो उससे पहले क्या बताया आपने थर्ड जो लास्ट पॉइंट था आपका ब्लड कलेक्शन में वो क्या था वैक्यू टेनर सिस्टम, तो क्या एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और अभी क्या है जो काम में लिया जाता है। तो देखिए ये वैक्यू टेनर सिस्टम इज वन मेथड ऑफ परफॉर्मिंग वेन पंचर और ब्लड ड्रॉ, यानी वैक्यू टेनर सिस्टम है वो क्या एक मेथड है ब्लड कलेक्शन का जिसका वेन पंचर का ही, यानी वैक्यू टेनर सिस्टम में भी अपन ब्लड कहां से ड्रॉ करते हैं बाहर निकालते हैं वेन पंचर से यानी वेन से। नेक्स्ट इट्स एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज इन ब्लड कलेक्शन, और ये क्या है एडवांस यानी आधुनिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो किसके अंदर काम में आती है ब्लड को कलेक्शन में काम में आती है। नेक्स्ट द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक होल्डर, ये सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना है, इसके बीच में क्या होता है प्लास्टिक होल्डर होता है, एक क्या है डबल एंडेड क्या होती है निडल होती है, यानी दोनों तरफ क्या है उसके एंड होते हैं, ठीक है दोनों साइड क्या होती है उसकी शार्प होती है एंड वैक्यू टेनर ट्यूब, और इसके साथ और क्या अटैच होता है वैक्यू टेनर ट्यूब्स अटैच होती है, यानी वैक्यू टेनर ट्यूब्स ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी वो ब्लड को क्या खुद ड्रॉ कर लेती है खुद खींच लेती है। नेक्स्ट वन एंड ऑफ द डबल साइडेड नीडल इज इनसाइड इनटू ए होल एट द टॉप ऑफ द प्लास्टिक होल्डर एंड स्क्रूड, यानी एक जो एंड है किनारा है डबल साइडेड नीडल का वो क्या है होल्डर में होल्ड रहता है पकड़ा रहता है, और उसका एक किनारा क्या है कि होल्डर में रहता है स्क्रू रहता है, तो उसके क्या है टॉप के ऊपर होता है बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट द अदर साइड ऑफ द नीडल इज इंसर्टेड इनटू द वेन एंड द वैक्यू टेनर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द प्लास्टिक होल्डर टू परफॉर्म द ब्लड फ्लो, और एक जो किनारा है दूसरा जो किनारा है वैक्यू टेनर सिस्टम का जो किसमें इंजेक्ट होता है वेन के अंदर होता है होल्डर के बाहर होता है, और क्या है दूसरी साइड क्या है क्या कलेक्ट होती है इसके, यानी जो दूसरा था जो प्लास्टिक होल्डर के अंदर था दूसरा किनारा वहां पे क्या कनेक्ट होती है वैक्यू टेनर ट्यूब कनेक्ट होती है इसको निकालने के लिए ब्लड को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है नेगेटिव प्रेशर होता है, जैसे आप क्या है एक किनारा नीडल का इंजेक्ट करोगे और दूसरी तरफ क्या लगाओगे वैक्यू टेनर ट्यूब लगाओगे तो ब्लड को क्या है वो वेन से अपने अंदर खींच लेगी। नेक्स्ट देखिए वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब्स आर ग्लास ट्यूब विद रबर स्टॉपर डैश कंटेन एंटीकोगुलेंट जेल और पाउडर टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन ट्यूब, यानी वैक्यू टेनर ट्यूब है वैक्यूम ट्यूब्स है वो किससे बनी होती है कि रबड़ के स्टॉपर से बनी होती है, उनका जो ढक्कन होता है वो किसका होता है रबड़ का होता है ताकि उसके अंदर क्या नीडल इंजेक्ट की जा सके। नेक्स्ट डैट कंटेन यानी वो क्या रखती है एंटीकोगुलेंट जेल या एंटीकोगुलेंट पाउडर रखती है अपने अंदर की तरफ, तो किसके लिए रखती है वो टू प्रिवेंट ब्लड यानी ब्लड को बचाने के लिए किससे क्लॉटिंग से, यानी ताकि क्या है ब्लड जो आपने कलेक्ट किया है वो ब्लड वाइल्स के अंदर क्लोट ना हो। नेक्स्ट द वैक्यूम ट्यूब मेथड ऑफ लिबोटॉमी इज गुड फॉर कलेक्टिंग मल्टीपल वाइल्स ऑफ ब्लड कम इन मल्टीपल साइज एंड इज ऑफ्टन यूज फॉर रूटीन ब्लड ड्रॉज, जो वैक्यूम ट्यूब मेथड है यानी फ्लिबोटॉमी का मतलब है वेन पंचर को क्या बोलते हैं अपन फ्लिबोटॉमी बोलते हैं, वो क्या है एक अच्छा मेथड है ब्लड कलेक्शन का, और उस वैक्यू टेनर सिस्टम से वैक्यूम ट्यूब से क्या है अपन अलग अलग वायल्स के अंदर क्या है मल्टीपल वायल्स के अंदर क्या है और मल्टीपल साइज में यानी अलग अलग क्वांटिटी के अंदर क्या है ब्लड को
कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एक तो क्या है होल्डर है, जिसके देखिए बीच में क्या है नीडल लगी हुई है, ऊपर नीडल से आपको एक तो बाहर की तरफ आउटर कहां से रोटेटर से, और एक क्या है इनसाइड में, यानी नीडल क्या है दोनों तरफ है, नीडल के दोनों है जो एंड है वो क्या है शार्प है, और अंदर की तरफ होल्डर के अंदर जो नीडल है उसके ऊपर क्या होती है रबर की स्लीव्स होती है, और दूसरी तरफ क्या है वैक्यूम ट्यूब जो वैन पंचर होने के बाद क्या है क्या अटैच होती है उससे वैक्यूम ट्यूब अटैच हो जाती है अंदर की नीडल से, जिससे क्या है वैक्यूम ट्यूब में नेगेटिव प्रेशर होता है और वो ब्लड को ड्रॉ कर लेती है, और ये क्या है रबड़ का स्टॉपर जिसके अंदर क्या है वैक्यूटेनस नीडल इंजेक्ट होती है, क्योंकि अगर प्लास्टिक का होगा या फिर मेटल का होगा तो उसमें क्या है नीडल इंजेक्ट नहीं होगी, उसकी स्लिप डैमेज हो जाएगी, इसलिए रबड़ का स्टॉपर अपन क्या है काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन, अपन ब्लड किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड एंड सेलेक्ट द ब्लड कलेक्शन ट्यूब अकॉर्डिंग टू हेल्थ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये डिसाइड करना है कितनी क्वांटिटी के अंदर आपको क्या है ब्लड कलेक्ट करना है, फिर क्या है आपको अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स डिसाइड करें, क्योंकि अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्यूब्स होती है। नेक्स्ट नाउ टेल द पेशेंट आल प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन, फिर क्या है पेशेंट को आपको पूरा प्रोसीजर बता देना है कि किस तरीके से आप क्या है ब्लड को कलेक्ट करोगे बाहर निकालोगे। नेक्स्ट नाउ प्लेस द पेशेंट ऑन टेबल, फिर पेशेंट की जो बाजू है भुजा है उसको कहाँ पे रखना है आपको टेबल के ऊपर रखना है। अप्लाई द ट्यूनिकेट एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन, फिर क्या है आपको ट्यूनिकेट अप्लाई करना है एल्बो जॉइंट से ऊपर, और क्या है वेन का सिलेक्शन करना है, वेन कैसी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए मोस्ट प्रोमिनेंट होनी चाहिए जिसके जिससे क्या है आप सैंपल कलेक्ट करोगे। फिर क्लीन द पंचर साइट यानी डिसइंफेक्टेंट कॉटन से क्या है स्प्रिट से क्या है आपको जिस जगह आपको वेन पंचर करोगे उस जगह को क्या है क्लीन करना है अच्छे तरीके से ताकि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हो वो किल हो जाए।
ट्यूब में कलेक्ट कर दूंगी, जो क्या है वैक्यूम होती है किसके ट्यूब के इनसाइड में यानी अंदर की तरफ। नेक्स्ट, फील्ड वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब्स कैन बी रिमूव्ड एंड ए न्यू वन एडेड एज नीडेड। फिर क्या है, आप दो वैक्यूम ट्यूब यानी जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब सैंपल कलेक्शन ट्यूब है वो भर गई है, फिल हो गई है, उसको क्या है हटा देना है। और आपको अगर और किसी ब्लड कलेक्शन ट्यूब में यानी नीडेड है आवश्यकता है तो क्या है आपको दूसरी ट्यूब क्या है सर्क्यूटेनरी सिस्टम से अटैच कर देनी है। द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड हैज बीन कलेक्टेड, यानी जितनी मात्रा आपको ब्लड की चाहिए उतनी मात्रा कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्राउन एंड वेन इट इज अबाउट टू कंप्लीट रिमूव द ट्यूनिकेट। यानी जितनी मात्रा आपको ब्लड की चाहिए उतनी प्रूफ होने के बाद बाहर निकलने के बाद वेन इज अबाउट टू कंप्लीट यानी वो क्या है पूरी होने के समथिंग हो तो क्या करना है रिमूव द ट्यूनिकेट, आपको ट्यूनिकेट हटा देना है बाजू से। नेक्स्ट, द नीडल ऑफ वैक्यूटेनस सिस्टम विड्रॉ फ्रॉम द वेन, और वैक्यूटेनस सिस्टम की जो नीडल है वेन के अंदर उसको क्या है विड्रॉ कर लेना है पंचर साइड से। नाउ प्लेस कॉटन स्वैब ऑन द पंचर साइड, और फिर क्या है आपको कॉटन स्वैब को क्या है रख देना है पंचर साइड के ऊपर। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए जिसमें क्या है वैक्यूटेनस सिस्टम क्या है इंजेक्ट कर रखा है एल्बो जॉइंट के ऊपर, ठीक है, और क्या है कि वैक्यूटेनस ट्यूब के सिस्टम के अंदर क्या है पीछे की तरफ क्या है डीटीए वायर लगा रखी है, यानी आपकी जो नीडल है वो तो भाई वेन के अंदर इंजेक्ट, और पीछे की जो नीडल है होल्डर के अंदर जो नीडल है वो कहां से अटैच होती है ट्यूब से अटैच होती है। नेक्स्ट देखिए वैक्यूम ट्यूब, यानी अलग अलग प्रकार की ट्यूब्स होती है, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कैप होते हैं ढक्कन होते हैं उनके। सबसे पहले देखिए कि अगर किसी वैक्यूम ट्यूब का कलर यानी उसका जो स्ट्रोपर है ढक्कन है वो कैसा है रेड कलर का है तो क्या होता है उसमें कि SPS यानी सोडियम पॉलीथिनोल क्या है सल्फोनेट होता है नॉन। दूसरा क्या है रेड मार्बल टॉप और गोल्ड, यानी क्या है थोड़ा सा क्या है रेड है या फिर गोल्ड है, ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होता है उसमें क्लोट एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है, यानी रेड कलर की जो ऑयल होती है उसमें क्लोट एक्टिवेटर होता है और मोस्टली वो कहां पे काम मिल जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर लाइट ब्लू कलर की कोई वाइल है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है सोडियम सिट्रेट, जो क्या है एपीडीटी वगैरह के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए काम में देते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन कलर की अगर कोई वाइल है तो उसमें क्या है सोडियम हिपेरिन या फिर लिथियम हिपेरिन है। नेक्स्ट लिवेंडर कलर की यानी क्या है लाइट ब्लू कलर की अगर कोई वाइल का कैप है तो उसमें क्या होता है ईडीटी होता है यानी इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, जो क्या है एक एंटीकोगुलेंट है यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। और ये किसके अंदर काम में आती है इस मेटोलॉजी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है सेल काउंट की उसके अंदर काम में आती है, तो मेटोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन में अपन कौन सी वायर को काम में लेती है डीटीए को। नेक्स्ट है ग्रे कलर की वायर, तो जो कब काम में लेते हैं अपन जो क्या है पोटेशियम ऑक्सोलेट या सोडियम क्लोराइड, यानी क्या है अगर किसी की ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल यानी शुगर का लेवल एस्टिमेट करना हो उसका ब्लड सैंपल किसमें कलेक्ट करते हैं अपन ग्रे कलर की वाइल में कलेक्ट करते हैं जिसमें क्या होता है पोटेशियम ऑक्सेलेट मिला हुआ होता है पहले से। तो नेक्स्ट देखिए माइक्रोस्कोप के पार्ट से यानी माइक्रोस्कोप किन किन चीजों से कंसिस्ट हुआ है। सबसे पहले क्या है ऑक्यूलर लेंस ऊपर की तरफ यानी आई पीस होते हैं जिनसे अपन देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले क्या होते हैं ऑक्यूलर होते हैं। और ऑक्यूलर लेंस के अकॉर्डिंग क्या है माइक्रोस्कोप तीन प्रकार का होता है, एक तो मोनोक्यूलर यानी जिसके अंदर ऊपरी ऊपर जो लेंस आई पीस है जिससे अपन देखते हैं वो क्या हो एक ही हो, दूसरा बाइनोक्यूलर यानी जिसमें दो हो, और तीसरा क्या है ट्राइनोक्यूलर या मल्टी जिसमें क्या है तीन हो। नेक्स्ट क्या है रिवॉल्विंग नॉज पीस, यानी जो है नोज पीस यानी जो क्या है पीस को कंडक्ट रखता है उसको क्या है हिला सकते हैं मोटिवेट करवा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस बोलते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट नजदीक होते हैं अपन जिस स्लाइड को क्या है ऊपर रखते हैं स्टेज के उसके ऊपर क्या है जस्ट क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस यानी जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक होते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस मोस्टली माइक्रोस्कोप में कितने होते हैं तीन होते हैं कईयों में क्या है चार भी होते हैं। नेक्स्ट है स्टेज जिसके ऊपर स्लाइड को रखते हैं उसके नीचे क्या होता है कंडेंसर जो क्या है लाइट को एडजस्ट करता है कि कितनी लाइट आपको क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर देनी है, अभी आप जो देख रहे हैं वो क्या है लाइट माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट नीचे है लाइट और एक क्या है कंडेंसर अपर्चर लेवल यानी क्या है जिससे अपन क्या है एडजस्ट करते हैं लाइट को,
नीचे है लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल है, यानी लाइट कितनी प्रोवाइड करवानी है। फिर उसके साइड में क्या है, एक तो कोर्स एडजस्टमेंट है, यानी जो राउंड कलर की शेप दिख रही, राउंड शेप दिख रही है आपको, और एक क्या है फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट से अपन क्या है स्लाइड को मूव करते हैं ऊपर नीचे, यानी स्टेज को मूव करते हैं, और जब उसकी थोड़ी थोड़ी क्या है प्रैक्टिकल इमेज अपने को दिखने लगती है, फिर क्या अपन फाइन एडजस्टमेंट से सेट करते हैं, सेट करते हैं उसको। एक क्या है कैरिंग हैंडल, जो क्या है इस पूरे माइक्रोस्कोप को क्या है कैरी करके रखता है, संभाल के रखता है। तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, आईपीस होता है, ऑक्युलर लेंस होता है, फिर रिवॉल्विंग नोज पीस होता है, यानी जो क्या है आईपीस को कंडक्ट करता है, उसको मोटिवेट करता है, यानी उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर स्लाइड होल्डर और स्टेज ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे, और स्टेज के नीचे क्या होता है आपका कंडेंसर होता है, और कंडेंसर के नीचे एक कैपेसिटर होता है जो क्या है कंडेंसर की लाइट को एडजस्ट करता है। फिर नीचे है लाइट होल्डर, और ये क्या है लाइट इंटेंसिटी कंट्रोलर, यानी यहाँ से भी अपन लाइट कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी प्रोवाइड करनी है। और जस्ट साइड में क्या होता है माइक्रोस्कोप के, एक तो कोर्स एडजस्टमेंट होता है बड़ा, और उसके साइड में क्या होता है छोटा, यानी फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट से क्या अपन जल्दी जल्दी क्या है स्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और फाइन एडजस्टमेंट से बिल्कुल स्लोली स्लोली, जिससे क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से चीजें दिखाई दे। और एक होता है कैरिंग हैंडल। नेक्स्ट अगर आप दूसरा लेंस देख रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ये है तो कैसा, उसी के जैसा है, एक तो क्या है ये मोनोक्यूलर है, यानी आईपीस जो है ऊपरी ऊपर वो क्या है एक ही है, ये कैसा लेंस माइक्रोस्कोप है मोनोक्यूलर। फिर क्या है ट्यूब है, तो इसमें क्या है नोज पीस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही लेंस है। फिर नीचे ट्यूरेंट हो गया जो कि इसको ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करता है। फिर नीचे विस्टे, फिर कंडेंसर हो गया, लाइट सोर्स हो गया। लाइट सोर्स के अंदर ये क्या है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को अपन किस, कौन सी लाइट यूज करते हैं इसमें, सनलाइट यूज करते हैं। फिर ऊपर आपको क्या है इसमें, इस प्रकार के माइक्रोस्कोप में कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट क्या है अलग अलग होते हैं। जो बड़ा होता है वो क्या होता है कोर्स फोकस, यानी क्या है जो स्टेज को जल्दी जल्दी मूव करवाए, और छोटा क्या होता है फाइन फोकस। फिर है आर्म, और क्या है कंडेंसर फोकस, यानी कितना फोकस हो रहा है, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे जो लाइट प्रोवाइड करवाएगा उसको एडजस्ट करने वाला। नेक्स्ट देखिए माइक्रोस्कोपिक यूज, माइक्रोस्कोप अपन अपन किन किन चीजों के अंदर यूज लेते हैं। माइक्रोस्कोप एनाटॉमी, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई, यानी माइक्रोस्कोप क्या है उन एनाटॉमी स्ट्रक्चर को स्टडी करता है जो क्या अपन नेक्ड आई से देख नहीं सकते, बहुत छोटी होती है। दे रिव्यू ओवरऑल माइक्रोस्कोप एनाटॉमी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन जनरली, और अपन क्या है क्या देख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देख सकते हैं, उसके मसल्स को देख सकते हैं। एक्सप्लेन इंटरप्रिटेशन ऑफ मसल्स बायोप्सी, और ये क्या करता है कि उसके जो मसल्स है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अंदर की जो लोकेशन है, अंदर की जो शेप एंड स्ट्रक्चर उसको भी शो कर सकता है। ईसोफेगस की मसल्स की स्ट्रक्चर शो कर सकता है, स्टमक की स्ट्रक्चर शो कर सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स को अगर अपन देखें माइक्रोस्कोप के ऊपर तो उनकी बॉन्डिंग, उनके अंदर जो मटेरियल है वो सभी शो कर सकता है। नेक्स्ट देखिए ए माइक्रोस्कोप फ्रॉम द एनिशियंट ग्रीक, यानी माइक्रोस्कोप एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका माइक्रो मीन्स क्या होता है स्मॉल, एंड स्कोप मीन्स क्या होता है टू लुक, यानी किसी चीज को देखना। माइक्रो मीन्स तो स्मॉल, और स्कोप मीन्स टू लुक, यानी किसी चीज को देखना चाहिए। And is an instrument used to see objects that are too small to be seen by naked eye. यानी ये क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है जिसके द्वारा अपन क्या है छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, सेल्स को देख सकते हैं, जो क्या है अपने को नेक्ड आई, यानी बिना किसी चीज के आंखों के ऊपर लगाए जो दिखाई ना दे, उन चीजों को क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रो मीन्स तो स्मॉल, और स्कोप मीन्स यानी ऐसी जो क्या है छोटे ऑर्गेनिजम्स को दिखा के, टू सी यानी किसी चीज को देखना। माइक्रोस्कोप की जनरल डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या है जनरली अपने को क्या है स्मॉल सेल्स को, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को क्या है शो करने में हेल्प करे, उनको दिखाने में मदद करे। Thank you.
देखिए बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, अभी अपन ने जो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर देखा था जिसमें दो आई पीस थे ऊपरी ऊपर, ओक्यूलर लेंस क्या थे दो थे, उसको क्या बोलते हैं अपन बाइनोक्यूलर बोलते हैं, यानी आई पीस कितने थे दो थे। देखिए द पार्ट ऑफ द बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप आर द आई पीस, यानी माइक्रोस्कोप जो बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप है उसके पार्ट क्या क्या है, कौन से अंग है, किन किन चीजों से मिलकर वो बना है। तो सबसे पहले क्या है, आई पीस है जिसको बोलते हैं अपन ओक्यूलर लेंस, फिर है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी क्या है उसको होल्ड करने वाली जो बॉडी थी वो क्या है मैकेनिकल स्टेज, यानी स्टेज क्या है जिसके ऊपर क्या है अपन स्लाइड्स रखते हैं, ठीक है। नोज पीस यानी क्या है, उसमें नोज पीस था जो क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस को, आई पीस को क्या है इधर उधर हिलाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर उसमें जो क्या है ऑब्जेक्ट के यानी स्टेज के जस्ट ऊपर होते हैं, स्टेज तो क्या है जिसपे स्लाइड रखते हैं अपन किसी चीज की, और उसके ऊपर क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो क्या है किसी भी इमेज को क्या है रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको बड़ा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसर जो क्या है लाइट को एडजस्ट करता है, लैंप है नीचे यानी जो क्या है लाइट प्रोवाइड करवाता है, माइक्रोस्कोप ट्यूब हो गई और क्या हो गया प्रिज्म हो गया। तो ये क्या है माइक्रोस्कोप के पार्ट है। तो माइक्रोस्कोप के पार्ट कौन से, तो आई पीस है, मैकेनिकल स्टेज है, नोज पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, कंडेंसर है, लाइट लैंप है, माइक्रोस्कोप ट्यूब है और प्रिज्म है। नेक्स्ट ईच पार्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द माइक्रोस्कोप फंक्शन, और प्रत्येक जो पार्ट है वो क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग फंक्शन प्ले करता है, अलग अलग रोल प्ले करता है। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट देखिए आई पीस, यानी जो सबसे ऊपर था ओक्यूलर लेंस वो क्या है, तो ड्यूअल बाइनोक्यूलर आई पीस कंटेन द माइक्रोस्कोप लेंस एंड गिव द यूजर सेकेंडरी मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओवर द ऑब्जेक्टिव बीइंग ग्रिप्ड, द ऑब्जेक्टिव इज जनरली ए स्पेसिमेन कंटेन ऑन ए स्लाइड। तो देखिए कि द ड्यूअल बाइनोक्यूलर आई पीस कंटेन द माइक्रोस्कोप लेंस, यानी जो ड्यूअल बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो ड्यूअल बाइनोक्यूलर आई पीस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं लेंस प्रेजेंट होते हैं, दो लेंस होते हैं उनमें अलग अलग, एंड गिव्स द यूजर सेकेंडरी मैग्निफिकेशन, और क्या है वो जो अपने को नीचे से जो इमेज दिखाई दे रही है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जो स्टेज के ऊपर है वो जो इमेज बना है उसको क्या है आई पीस के सेकेंडरी मैग्निफिकेशन देते हैं, यानी और क्या है उसको और बड़ा करते हैं ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं आई पीस सेकेंडरी मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और द ऑब्जेक्टिव बीइंग ग्रिप्ड, और ऑब्जेक्ट को क्या है देखने में हेल्प करते हैं क्योंकि आई से अपन क्या है उस लेंस को क्या है आई पीस की हेल्प से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव इज जनरली ए स्पेसिमेन कंटेंट ऑन ए स्लाइड, और ऑब्जेक्टिव जो वो क्या है एक स्पेसिमेन होता है नमूना होता है वो किसी का भी हो सकता है, यानी वो टिश्यू का भी हो सकता है, ब्लड का भी हो सकता है, सीएसएफ का भी हो सकता है, सीमन का भी हो सकता है, तो किसी का भी स्पेसिमेन हो सकता है जो क्या है स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट रहता है। सेकेंडरी जो सॉरी आई पीस जो है वो क्या है, एक तो क्या है कि अपने को किसी चीज को देखने में हेल्प करते हैं, और दूसरा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाते हैं उसको सेकेंडरी मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उस इमेज को और बड़ा करते हैं। स्पेसिमेन और क्या है स्पेसिमेन को अलाउ करता है
यह मूव के लिए यानी इधर उधर हलाने के लिए, अपन स्टेट को जैसे जैसे मूव करेंगे स्पेसिमेन भी क्या होगा, मूव होगा। यानी स्टेट को अपन क्या है लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं, राइट साइड में भी ला सकते हैं, फॉरवर्ड ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल नजदीक भी लेके जा सकते हैं, और बैकवर्ड यानी नीचे की तरफ भी, कंडेंसर की तरफ भी लेके आ सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन, यानी किसी चीज के एग्जामिनेशन के लिए। और स्टेज से ही क्या है अपन किसी चीज का व्यू यानी उसकी इमेज को क्या है एड करते हैं इस तरीके से, जिससे क्या है वो अपने को दिखाई दे। मैकेनिकल स्टेज क्या है, वह प्रोग्राम है जो क्या है स्पेसिमैन को स्लाइड को क्या है होल्ड करता है, पकड़ता है, ठीक है, और क्या है स्पेसिमैन और उसको स्टेज को क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर व्यू करता है, आपको दिखाता है, ठीक है, और अलाउ द स्पेसिमैन और स्पेसिमैन को परमिशन प्रोवाइड करवाते हैं इसको मूव करने की, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड की परमिशन प्रोवाइड करवाता है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या है फिर आगे, नोज पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कौन सा पार्ट आगे, नोज पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। द नोज पीस कंटेन सेवरल रोटेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी नोज पीस क्या कंटेन रखती, कंटेन मतलब रखती है सेवरल रोटेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी क्या है कुछ रोटेटिंग लेंस रखती है, यानी एक दूसरे के मूव कर सकते हैं अपन उन लेंस को, जो लेंस अपने वो काम में लेना उसको रोटेट करके अपन स्पेसिमैन के ऊपर मैकेनिकल स्टेज के ऊपर क्या है उसको सेट कर सकते हैं। यूजुअली थ्री और मोस्टली कितने होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस, तीन होते हैं, विच मैग्निफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज बिलो, और जो क्या है इमेज को मैग्निफाई करते हैं, यानी क्या है उसको बड़ा करते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, ठीक है, जो क्या है स्टेज के बिलो, स्टेज के ऊपर है, ऑन द स्टेज बिलो यानी जो स्टेज के ऊपर है, ऑब्जेक्ट जो है स्टेज के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्निफाई करने का क्या काम करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस काम करते हैं। और नोज पीस क्या करती है उन तीनों ऑब्जेक्टिव लेंस को कंटेन करती है, रखती है, रोटेटिंग लेंस होते हैं यानी पहला लेंस लगाया दूसरा भी लगा सकते हैं तीसरा भी लगा सकते हैं, वो स्पेसिमैन के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। अलग अलग लेंस की क्या है अलग अलग पावर होती है दिखाने की, जैसे 10x हो गया, 45x हो गया, 100x हो गया, वो क्या है अलग अलग, यानी सबसे पहले छोटी इमेज फिर बड़ी इमेज फिर क्या है उससे भी बड़ी इमेज, यानी बड़ा मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली। तो देखिए द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज द वन एट द बॉटम नियर द सैंपल एट इट्स सिंपलेस्ट, इट इज ए वेरी हाई पावर्ड मैग्निफाई ग्लास विद वेरी शॉर्ट फोकल लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या है बॉटम के अंदर होता है, सैंपल के बिल्कुल नजदीक होता है, और ये क्या है एक सिंपल मेथड है जिसके अंदर क्या है एक हाई पावर का मैग्निफाई ग्लास लगा होता है यानी लेंस लगा होता है, और जिसके अंदर क्या है जिसकी जो फोकल लेंथ है यानी वो क्या है छोटी सी लेंथ में क्या है किसी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है शॉर्ट होती है। तो नोज पीस देखिए एक बार शुरू से कि नोज पीस क्या है कि नोज पीस कंटेनिंग सेवरल रोटेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो क्या है काफी प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेंस को रखता है, यूजुअली क्या होते हैं तीन होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, विच मैग्निफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑन द स्टेज बिलो, और जो क्या है इमेज को मैग्निफिकेशन का काम करते हैं, बड़ा करने का दिखाने का काम करते हैं जो स्टेज के ऊपर रखी है। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज द वन एट द बॉटम नियर द सैंपल, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या है किसके नजदीक होते हैं सैंपल के नजदीक होते हैं, बॉटम होता है बॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्टेज के बिल्कुल नजदीक होते हैं, और स्टेज पे क्या रखते हैं सैंपल रखते हैं। एट इट्स सिंपलेस्ट इट इज ए वेरी हाई पावर्ड मैग्निफाई ग्लास, और इनके अंदर क्या होता है कि ये सिंपल होते हैं और इनके अंदर क्या है एक हाई पावर का मैग्निफाई ग्लास होता है लेंस होता है जो इमेज को बड़ा करता है। नेक्स्ट विद वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, और जो क्या है छोटी सी लेंथ के साथ क्या है उसको बड़ा करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कितने प्रकार के होते हैं कौन से उसके पार्ट हैं। तो देखिए स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव लेंस, सबसे पहले क्या है इसमें चार पार्ट है, स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव लेंस जो क्या है 4x है, ठीक है, जो सबसे छोटा लेंस होता है ये क्या है मोस्टली बहुत ही कम माइक्रोस्कोप में मिलता है, लेकिन कुछ एक माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस चार होते हैं, तो उनमें क्या मिलता है आपको स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी पावर कितनी होती है 4x होती है। कंबाइंड विद द आईपीस यानी आईपीस के साथ में काम करता है
दिस लेंस विल प्रोवाइड द लोवेस्ट मैग्निफिकेशन पावर, और ये क्या है आपको बहुत ही कम मैग्निफिकेशन पावर प्रोवाइड करवाता है, यानी इमेज की क्या है बहुत ही कम पावर की इमेज क्या है आपको प्रोवाइड करवाते हैं, यानी जो चीज आप देखना चाह रहे हो स्पेसिमेन को देखना चाह रहे हो उसकी इमेज इतने अच्छे तरीके से मोल्ड यानी बनाता नहीं है, फॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट लोअर पावर ऑब्जेक्टिव, लोअर पावर ऑब्जेक्टिव क्या है 10x, जो क्या है मोस्टली माइक्रोस्कोप के अंदर मिलता है। दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज द नेक्स्ट लोवेस्ट पावर्ड एंड इज ऑफ्टन द मोस्ट हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू, और ये क्या है दूसरा लोवेस्ट पावर लेंस होता है, और ये क्या है काफी काम के अंदर आता है आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। और जब भी अपन क्या है किसी स्पेसिमेन को सेट करते हैं स्टेज के ऊपर और उसकी इमेज को व्यू करते हैं बीच में, तो सबसे पहले 10x पे सेट करते हैं उसको, यानी क्या है धीरे धीरे सबसे पहले छोटी थोड़ी इमेज दिखाई दे, आप छोटी इमेज दिखाई दे, फिर उसके बाद में 40x पे, फिर क्या है 40 या 45x पे, और फिर क्या है 100x पे, इस तरीके से क्या है इमेज को सेट करते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज रेफर्ड टू एज द हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस सिंस इट इज आइडियल फॉर ऑब्जर्विंग, और ये क्या है हाई पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो क्या है अपने ऑब्जर्व करने के लिए काम में लेते हैं अपन किसी स्लाइड की या फिर अदर क्या है कोई भी कंटेंट हो उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको ऑब्जर्व करने के लिए देखने के लिए क्या है अपन 40x लेंस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है ओरल इमर्सन ऑब्जेक्टिव, जो क्या होता है माइक्रोस्कोप का सबसे बड़ा लेंस होता है 100x। दिस ऑब्जेक्टिव लेंस विल अचीव द ग्रेटेस्ट मैग्निफिकेशन एंड हैज ए टोटल, और ये क्या है माइक्रोस्कोप का सबसे बड़ा क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस है, और जिसकी मैग्निफिकेशन जो पावर है वो क्या होती है बहुत अच्छी होती है, और ये क्या है ग्रेटेस्ट मैग्निफिकेशन पावर के साथ क्या है काम करता है। तो क्या है मोस्टली क्या ऑब्जेक्टिव लेंस तीन प्रकार के होते हैं माइक्रोस्कोप में, सबसे पहले 10x जो इमेज को सेट करते हैं, फिर 40x पे ऑब्जर्व करते हैं, और अगर 40x पे भी अगर अपने को कोई स्पेसिमेन दिख नहीं रहा है तो उसको कितने एक्स पे ऑब्जर्व करते हैं 100x लेंस पे, यानी ऑयल इमर्सन लेंस पे। तो देखिए सबसे पहले तो 4x है जो कि आईपीएस के साथ कंबाइंडली काम करता है और लोएस्ट मैग्निफिकेशन की इमेज प्रोवाइड करवाता है। फिर है लो पावर ऑब्जेक्टिव यानी 10x बोलते हैं जिसको, जो क्या है लोएस्ट पावर सेकंड लोएस्ट पावर का लेंस है और जो क्या है अपने को माइक्रोस्कोप का व्यू सेट करने में हेल्प करता है, यानी किसी स्लाइड को सब सेट करते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर तो सबसे पहले 10x लेंस को काम में लेते हैं। फिर है हाई पावर ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर क्या है 10x के बाद में क्या है किसी स्पेसिमेन को किसके ऊपर सेट करते हैं 40x पे, जिसके ऊपर क्या अपन ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को। और चौथा क्या है ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव जिसको क्या बोलते हैं 100x बोलते हैं, और जिसकी मैग्निफिकेशन क्या है ग्रेटेस्ट है सबसे बढ़िया है। Light or sound as it passes
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो माइक्रोस्कोप ट्यूब एंड प्रिज्म क्या है? माइक्रोस्कोप ट्यूब है वो किसको सपोर्ट करती है? ड्यूअल आईपीस को सपोर्ट करती है। और जो प्रिज्म है वो कहाँ पे होता है? लाइट्स को क्या है, रिफ्रैक्ट करता है एक दूसरी जगह पे, यानी एक दूसरे मीडियम में क्या है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, स्प्लिट करता है बाइनोक्यूलर आई पीस में। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट आती है वो क्या है, प्रिज्म से होते हुए किसके ऊपर गुजरती है, बाइनोक्यूलर आई पीस के ऊपर पड़ती है। द बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप वर्क बाय रिफ्रैक्शन। और ये जो बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप है वो किसके हेल्प से कैसे किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो रिफ्रैक्शन मैकेनिज्म पे। और जो प्रिज्म है विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिएगेटिंग वेव, जो क्या है प्रोपिएगेटिंग वेव्स है, यानी जो लाइट आ रही है, जो क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट आ रही है उसको क्या है डायरेक्शन उसकी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसकी डायरेक्शन कहाँ पे कर देता है, आईपीस के ऊपर फोकस कर देता है, जिससे अपने को का इमेज क्या है अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो कंडेंसर और लैंप तो क्या है कि द बेस बिल्ट इन ए लैंप प्रोवाइड लाइट फॉर व्यूइंग एरिया। तो लैंप तो क्या है कि एक बनी हुई स्ट्रक्चर है किसके अंदर, बेस के अंदर, और जो क्या है आपको लाइट एरिया यानी लाइट प्रोवाइड करवाती है व्यूइंग एरिया के लिए। लाइट फ्रॉम द लैंप पास थ्रू द लेंस ऑफ ए ऑफ द कंडेंसर विच फोकस द लाइट ऑफ द माइक्रोस्कोप व्यूइंग एरिया। और जो लैंप से जो लाइट आती है वो कंडेंसर के लेंस को पार करते हुए कहाँ पे पड़ती है, व्यूइंग एरिया के ऊपर पड़ती है, यानी जहाँ पे अपन क्या है स्टेज के ऊपर जो स्पेसिमेन रखते हैं वहां पे क्या है वो लाइट पड़ती है। फिर है माइक्रोस्कोप ट्यूब एंड प्रिज्म। तो आपको जनरल लैंग्वेज में अगर अपन देखें तो माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या है वो आईपीस को होल्ड करती है, और जो प्रिज्म है वो क्या होता है कि आईपीस के नीचे वाली साइड में होता है, और जो क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट आ रही है यानी स्टेज के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यानी स्पेसिमेन के टच में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो स्पेसिमेन को सबसे पहले मैग्निफिकेशन पावर प्रोवाइड करवाता है, उससे जो लाइट आती है उसको क्या है प्रिज्म उसका मीडियम चेंज करता है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है किसके ऊपर, आईपीस के ऊपर, जिससे क्या है अपने को इमेज जो है उसकी क्वालिटी क्या है अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो शुरू से देखिए कि कौन से पार्ट होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक तो बाइनोक्यूलर लेंस होता है, फिर क्या होता है उसके बाद में मैकेनिकल स्टेज होता है, स्टेज के बाद में क्या होता है नोज पीस या फिर क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, फिर कंडेंसर एंड लैंप होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस चार प्रकार के होते हैं, एक तो 4x होता है, 10x होता है, ठीक है, फिर आता है 40x या 45x, फिर क्या आता है 100x यानी ऑयल इमर्सन लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस किसको बोलते हैं, 40x को या 45x के लेंस को बोलते हैं, ये सारे क्या है। और एक क्या होता है कोर्स एडजस्टमेंट, जो मैकेनिकल स्टेज को एडजस्ट करता है फास्ट स्पीड में, और एक होता है फाइन एडजस्टमेंट जो क्या है मैकेनिकल स्टेज को क्या है धीरे धीरे एडजस्ट करता है। तो ये क्या है आपकी माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर है, जो क्या है पूरी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अपन क्या है काम मिलेंगे, क्योंकि क्लिनिकल पैथोलॉजी की जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड होती है, माइक्रोस्कोप के ऊपर डिपेंड होती है। माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या है अपन अलग अलग स्लाइड्स को, अलग अलग सैंपल्स को, यानी क्या है अपन ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके उसकी स्ट्रक्चर क्या है अपने को रिमेम्बर होनी चाहिए कि कौन सा लेंस अपन क्या है किसके अकॉर्डिंग काम में लेते हैं, किस चीज के लिए काम में लेते हैं, उसको एडजस्ट किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर वो किसके ऊपर होगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर, ठीक है। अपन ब्लड ग्रुपिंग का मेथड देखेंगे किस तरीके से क्या अपन ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। थैंक्स टू ऑल।